माँ लक्ष्मी ने खुद कहा है, जो भी शुक्रवार को यह उपाय करेगा मैं उसके घर में स्थायी निवास करूंगी। यह संदेश माँ लक्ष्मी की पूजा और आराधना के महत्व को समझाता है, खासकर धन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक विशेष मंत्र का जाप करता है तो माँ लक्ष्मी उसके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी, जिससे व्यक्ति कुबेर के समान धनवान हो जाएगा। मंत्र जाप के साथ परिश्रम की भी महत्ता बताई गई है। संदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल मंत्र का जाप करने से धन नहीं आता, बल्कि मेहनत और माँ लक्ष्मी की कृपा का होना भी आवश्यक है। इस उपाय को देवराज इंद्र ने समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी के प्रकट होने पर किया था, जिससे उन्हें विशेष कृपा प्राप्त हुई। संदेश यह सुझाव देता है कि अगर आप आर्थिक तंगी, कर्ज या अन्य वित्तीय परेशानियों से जूझ रहे हैं तो माँ लक्ष्मी की आराधना और इस मंत्र जाप के द्वारा आप स्थायी धन और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। देवता अरविंद ने द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया और माँ लक्ष्मी ने उन्हें यह वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति इस मंत्र का तीनों संध्याओं प्रातः मध्यान्ह संध्या में श्रद्धा और भक्ति पूर्वक जाप करेगा उसे कुबेर के समान अपार धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का उल्लेख भी किया गया है, जिन्हें अष्ट लक्ष्मी कहा जाता है। इन 8 स्वरूपों की साधना करने से जीवन में धन, सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, मान सम्मान और वंश वृद्धि जैसी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। माँ लक्ष्मी के ये 8 रूप जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि आदि लक्ष्मी जीवन की आधारशिला, यह रूप शांति और संतोष का प्रतीक है। धन लक्ष्मी अपार धन और समृद्धि का स्रोत, यह रूप आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। धैर्य लक्ष्मी धैर्य और स्थिरता प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति कठिन समय में भी साहस नहीं खोता। गज लक्ष्मी ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा का प्रतीक है, समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि देती है। संतान लक्ष्मी संतान सुख की प्राप्ति और वंश वृद्धि का प्रतीक। विजय लक्ष्मी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और विजय दिलाती है। विद्या लक्ष्मी ज्ञान और बुद्धि की देवी, जो अध्ययन और अनुसंधान में कुशाग्रता प्रदान करती है। ऐश्वर्य लक्ष्मी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ भौतिक समृद्धि की प्राप्ति कराती है। इन 8 स्वरूपों की पूजा से व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव समाप्त हो जाता है, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक। महालक्ष्मी की आराधना का सही समय और विधि। महालक्ष्मी की आराधना का सबसे अच्छा दिन शुक्रवार होता है, क्योंकि यह दिन माँ लक्ष्मी का ही दिन माना जाता है। विशेष रूप से शुक्रवार की रात 9 से 10 बजे के बीच का समय अष्ट लक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस समय वातावरण शांत रहता है और पूजा शांति और ध्यान से की जाती है। इस समय माँ लक्ष्मी की आराधना करने से विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। पूजा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। स्नान और शुद्धिकरण, शुक्रवार को स्नान करके अपने पूजा स्थल को स्वच्छ करें। माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र, माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और उनकी पूजा के लिए दीपक जलाएं। धूप दीप और पुष्प, माँ लक्ष्मी को धूप दीप और पुष्प अर्पित करें। मंत्र जाप, द्वादशाक्षर मंत्र या अष्ट लक्ष्मी से संबंधित मंत्रों का जाप करें। प्रसाद, माँ लक्ष्मी को प्रसाद अर्पित करें, जैसे मिठाई, फल या नारियल। इस प्रकार की साधना से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि इस विशेष मंत्र जाप और आराधना के बारे में किसी भी बाहरी व्यक्ति को जानकारी नहीं होनी चाहिए। पूजा केवल परिवार के उन सदस्यों को पता हो सकती है जो साथ रहते हैं।
लेकिन इसके बाहर किसी को बताने से मना किया गया है। इसका मतलब है कि माँ लक्ष्मी की पूजा को जितना हो सके गुप्त रखना चाहिए ताकि विशेष कृपा प्राप्त हो सके। पूजा के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी है। पूजा की तैयारी और सामग्री। समय, पूजा का सबसे शुभ समय रात के 9 से 10 बजे के बीच है। अगर इस समय स्नान नहीं कर सकते तो फिर भी इस समय पूजा करने की कोशिश करें। आसन, पूजा के लिए गुलाबी रंग के आसन का उपयोग करना शुभ माना गया है। यह रंग मां लक्ष्मी को प्रिय है और समृद्धि का प्रतीक है। ईशान कोण में चौकी, अपने घर के ईशान उत्तर पूर्व कोण में एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें। चौकी के ऊपर गुलाबी वस्त्र बिछाएं। श्रीयंत्र और मां लक्ष्मी की तस्वीर, चौकी पर श्रीयंत्र और मां लक्ष्मी की तस्वीर स्थापित करें, क्योंकि ये दोनों धन और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। दीपक जलाना, शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं। इसके अलावा 8 छोटे मिट्टी के दीपक भी जलाएं। ये दीपक बुद्धि से जलाने चाहिए, जो इस पूजा की ऊर्जा और आस्था को बढ़ाते हैं। धूप, दीप और नैवेद्य, मां लक्ष्मी को धूप, दीप, नैवेद्य, भोग अर्पित करें। इस पूजा में लाल पुष्प और सफेद मिठाई का भोग विशेष महत्व रखता है। लाल पुष्प मां लक्ष्मी को प्रिय होते हैं और सफेद मिठाई का भोग शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। पूजा विधि। गुप्त आराधना, यह पूजा गुप्त रूप से की जाती है, इसलिए इसके बारे में किसी को न बताने की सलाह दी जाती है। श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और भक्तिपूर्ण भाव से मां लक्ष्मी की आराधना करें। ध्यान रखें कि यह पूजा आपकी आस्था और विश्वास पर आधारित होनी चाहिए। विशेष मंत्र जाप। इस आराधना में द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें, जिसे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इस प्रकार की आराधना और मंत्र जाप से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि का घर में स्थायी वास होता है। यहां अष्टगंध, श्रीयंत्र और अष्ट लक्ष्मी की पूजा और तिलक का महत्व बताया गया है, साथ ही कमलगट्टे की माला से मंत्र जाप का विशेष निर्देश दिया गया है। पूजा की विधि और सामग्री। अष्टगंध से तिलक, श्रीयंत्र और अष्ट लक्ष्मी पर अष्टगंध, चंदन और अन्य सुगंधित जड़ी बूटियों का मिश्रण से तिलक करें। यह शुभता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। कमलगट्टे की माला। कमलगट्टे की माला को हाथ में लेकर मंत्र जाप शुरू करें। यह माला मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यधिक शुभ मानी जाती है। मंत्र जाप की तैयारी। महालक्ष्मी का स्मरण। पूजा शुरू करने से पहले मां लक्ष्मी का मन में स्मरण करें और प्रार्थना करें कि वे आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें। आप उनसे निवेदन करें कि आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त हों और घर में समृद्धि का वास हो। संकल्प लें। मंत्र जाप शुरू करने से पहले संकल्प लें कि आप कितनी माला का जाप करेंगे। यह एक माला, 5 माला या अधिक हो सकता है, जैसा कि आपके पास समय हो और आपकी क्षमता हो। मंत्र जाप का संकल्प पूजा की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी मनस्थिति और समर्पण को दर्शाता है। मंत्र जाप। निम्न मंत्र का जाप करें। ह्री श्री क्ली अष्टलक्ष्मे नमः स्वाहा। इस मंत्र का जितना अधिक जाप कर सकते हैं उतना करें। कम से कम एक माला का जाप आवश्यक माना गया है, लेकिन यदि आप 11 माला या 21 माला जाप करने का संकल्प लें तो यह और भी प्रभावी होगा। जाप के बाद की प्रक्रिया। आरती। जब मंत्र जाप पूरा हो जाए तो आरती करें और अपने घर की 8 दिशाओं में दीपक जलाकर स्थापित करें।
यह सभी दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा और मां लक्ष्मी की कृपा को आमंत्रित करता है। कमलगट्टे की माला का स्थान। पूजा के बाद कमलगट्टे की माला को अपनी तिजोरी, जहां आप धन रखते हैं, में स्थापित करें। यह माला तिजोरी में धन की वृद्धि और स्थायित्व का प्रतीक होती है। यह संपूर्ण विधि मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने और घर में स्थायी रूप से समृद्धि लाने का एक प्रभावी और प्राचीन उपाय है। इस संदेश में यह बताया गया है कि शुक्रवार के दिन किए जाने वाले इस विशेष उपाय और मंत्र जाप से आपके जीवन में धन संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। यहां मां लक्ष्मी की आराधना और मंत्र जाप के निरंतर अभ्यास की महत्ता पर जोर दिया गया है। शुक्रवार को किए जाने वाले उपाय। पहले शुक्रवार को परिणाम। अगर आप इस उपाय को पहली बार शुक्रवार के दिन करते हैं तो आपको उसी सप्ताह में अंतर महसूस होना शुरू हो सकता है। अगर आप नियमित रूप से हर शुक्रवार को यह उपाय करेंगे तो आपको लंबे समय तक सफलता और समृद्धि प्राप्त होगी। अधिक मंत्र जाप का प्रभाव। यदि आप अधिक संख्या में मंत्र जाप, जैसे 11 माला या 21 माला करेंगे तो इसका प्रभाव तेजी से होगा। अधिक मंत्र जाप करने से मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है और परिणाम भी शीघ्र मिलने लगते हैं। अष्ट लक्ष्मी की आराधना। अगर आप रात के समय मां अष्ट लक्ष्मी की आराधना करेंगे तो जीवन की हर समस्या का समाधान मिलेगा। अष्ट लक्ष्मी की पूजा समृद्धि, स्वास्थ्य और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। मंत्र जाप की माला का उपयोग। हर बार जब आप माला से मंत्र जाप करें तो उस माला को पूजा के बाद अपने धन रखने के स्थान, जैसे तिजोरी या अलमारी में रख दें। इससे माला में सिद्धि आती है और यह धन की वृद्धि के लिए अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। हर शुक्रवार माला का पुनः उपयोग। अगले शुक्रवार को फिर से उसी माला का उपयोग करके मंत्र जाप करें। इसे बार बार धन रखने के स्थान पर रखने से माला और भी अधिक सिद्ध होती जाएगी और आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। लाभ। धन की कमी का निवारण। यदि आपके जीवन में परिश्रम के बावजूद धन की कमी है या धन आने के बावजूद घर में स्थायी नहीं रह रहा है तो यह उपाय और मंत्र जाप आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। व्यापार में वृद्धि। अगर व्यापार में समस्याएं आ रही हैं, तो मां लक्ष्मी की कृपा से व्यापार में भी उन्नति होगी। धार्मिक सफलता। इस उपाय से न केवल आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होंगे। इस प्रकार शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की आराधना और मंत्र जाप से आपकी सभी धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।